और रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 8 महीने होने वाले हैं और ये युद्ध अब परमाणु हमले की तरफ बढ़ चुका है। जी हाँ, बड़ी खबर ये है कि रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से धमकी ये दी गई है और कहा गया है कि यूक्रेन में रूस रेफरेंडम वाले इलाकों को परमाणु सुरक्षा देगा। जी हाँ, रेफरेंडम वाले इलाके रूस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का हिस्सा है। ये भी कहा गया है कि जैसे रूस के इलाकों की सुरक्षा की जाती है वैसे ही इन इलाकों की सुरक्षा भी की जाएगी और अगर कोई हमला हुआ तो परमाणु बम फोड़ने से नहीं चूकेंगे। फेर दी एटमी वॉर की धमकी। यूक्रेन के 4 इलाके कराएंगे परमाणु युद्ध। एक बार फिर से परमाणु युद्ध की खलबली। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अपने ही अंदाज में एक बार फिर उनकी तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है। ये धमकी परमाणु हमले की है। तरफ से कहा गया है कि संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हमला करने से वो नहीं चूकेगा। इस धमकी के पीछे यूक्रेन के वो 4 इलाके हैं जो रूस के कब्जे में हैं। पुतिन के प्रवक्ता ने धमकी देते हुए कहा है कि जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के 4 इलाके रूस का हिस्सा है और इन इलाकों में वही सुरक्षा दी जाती है जो रूस के दूसरे हिस्सों को दी जाती है और जब रूस के किसी भी हिस्से पर कोई हमला होता है तो उसका पलटवार परमाणु हमलों से दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि रूस इन 4 इलाकों को लेकर किसी भी सूरत में समझौता करने वाला नहीं। डोनेस्क, लोहांस्क, हेरसॉन और ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन या उसके सहयोगी आगे बढ़ते हैं तो परमाणु हमला होकर ही रहेगा। दरअसल रूस की इस नई धमकी के पीछे वजह है यूक्रेन के सैनिकों का पलटवार। रूस के कब्जे में आए 4 इलाकों में ज़ेलेंस्की के सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने खेरसॉन इलाके की कुछ बस्तियां। पिछले महीने जब पुतिन ने परमाणु धमकी दी थी तब अमेरिका से बड़ा रिएक्शन आया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु खतरे की तुलना क्यूबा मिसाइल संकट से की थी जिसने 1962 में दुनिया को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया। और अब एक बार फिर से तिल मिलाए रूस की तरफ से परमाणु युद्ध की धमकी आई है। इसका मतलब ये है कि एटमी वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं यूक्रेन पर आक्रमण के 8 महीने बाद पुतिन की सेना को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। वहीं नेटो देश परमाणु अभ्यास कर रहे हैं, यानी अब मुकाबला सीधा रूस और नेटो देशों के बीच हो। नेटो में कुल 30 देश हैं। अगर ज़ेलेंस्की नेटो में शामिल हो जाते हैं तो पुतिन को अकेले 30 देशों से मुकाबला करना होगा।
ऐसे में रूस में भी खौफ का मंजर पसरा है। रूस में भी खलबली मची है। लोग परमाणु युद्ध के दौरान खुद को बचाने की तरकीबें अपनाने लगे हैं। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई। रूस में लोग परमाणु युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए शेल्टर बनाने लगे हैं। परमाणु बंकर खरीदने की होड़ मच गई है। जब से नेटो देशों ने परमाणु अभ्यास शुरू किया है, तब से रूस में परमाणु बंकरों की मांग बढ़ गई है। रूस में अमीर लोग लगातार परमाणु बंकर खरीदते जा रहे हैं। रूस में इस वक्त कुल 16,000 परमाणु बंकर हैं। रूस में लोगों को लगता है कि अगर पुतिन ने परमाणु हमला किया तो नेटो देश भी पलटवार करते हुए परमाणु हमला कर देंगे। यानी खौफ का मंजर दोनों तरफ है, क्योंकि परमाणु युद्ध हुआ तो तबाही दोनों तरफ होगी और उसका अंजाम सदियों तक दिखाई देगा। उधर जब से नेटो देश परमाणु अभ्यास करने लगे हैं, तब से रूस में भी लोग परमाणु युद्ध की आशंका से सहम गए हैं और वहां न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने की होड़ मच चुकी है। रूस में लोग डरे हुए हैं और अगर रूस पर परमाणु बम गिरा तो ये घर ही उन्हें बचाएंगे। न्यूक्लियर शेल्टर मतलब ऐसा घर या फिर बंकर जो परमाणु हमले से सुरक्षा दे और रेडिएशन से बचाए। एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि रूस में हर हफ्ते 20 से 30 न्यूक्लियर शेल्टर होम बिक रहे हैं, जिसकी वजह से रूस की पुलिस को न्यूक्लियर शेल्टर खरीदने वालों की जांच भी अब शुरू करनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस में न्यूक्लियर बंकर बनाए जा रहे हैं और वो भी तेजी से बिक रहे हैं। जी हाँ, रूस में इस तरह के कई शेल्टर्स मौजूद हैं, जिनमें कुछ सस्ते हैं तो कुछ बेहद महंगे भी हैं। महंगे शेल्टर के बारे में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि भूकंप आने पर भी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। परमाणु जंग के दौरान ये कई महीने तक सुरक्षा दे सकते हैं। खबर तो ये भी है कि रूस में 16,000 से अधिक न्यूक्लियर शेल्टर हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए थे। जी हाँ, जिनके बारे में 6 साल पहले शिकायत की गई थी कि उनमें 95% तो खराब हो चुके हैं, लेकिन अब खबर ये है कि उनकी मरम्मत हो चुकी है और लोग उन्हें खरीद भी रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग के मैदान से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस के हमले में यूक्रेन को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले से यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन खराब हो चुके हैं और इसकी वजह से यूक्रेन में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो चुका है। क्यू खार्किव निप्रो जैसे शहर में बिजली और पानी प्रभावित है। जी हाँ, और ज़ाइटोमिर की अगर बात करें तो ज़ाइटोमिर शहर पूरी तरीके से अंधेरे में है, जहाँ लाखों लोगों की पहुँच पीने के पानी से कोसों दूर है। डार्क जोन में पहुंचे यूक्रेन के शहर। यूक्रेन के शहरों में छाया अंधेरा। यूक्रेन में बिजली और पानी का संकट। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में ड्रोन से ताबड़तोड़ कई हमले किए। ईरान के सुसाइड ड्रोन से कीव के कई रिहायशी और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस की 8 मिसाइलों से हमले का दावा सामने आया। रूस के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर खार्किव में रूस के हमले से भारी तबाही आई। निप्रो में 2 जोरदार धमाके से पावर स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिखा। माइकोलाइव में रिहायशी इलाके में रूस की मिसाइलें गिरी और इमारत पूरी तरह से तहस नहस हो गई। यूक्रेन के शहरों में हुई भारी तबाही के बाद खुद जेलेंस्की सामने आए और उन्होंने बयान जारी कर कहा, 10 अक्टूबर से हुए हमले में यूक्रेन के 30% बिजली स्टेशन तबाह हो गए हैं, जिससे पूरे देश में बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई है। ये शब्द थे राष्ट्रपति जेलेंस्की के, जिन्होंने यूक्रेन के शहरों में हुई तबाही के बाद खड़े हुए संकट का दर्द बयां किया। यही नहीं,
दावा है कि यूक्रेन पर रूस के हुए हमले में जतोमर शहर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। करीब 2.25 लाख की आबादी बिजली और पानी के संकट से जूझने लगी। एक सप्ताह के भीतर यूक्रेन के शहरों पर हुए अटैक के बाद भारी तबाही का दावा है। दावा किया गया कि रूस के हवाई हमले में यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूब गए। यूक्रेन के 30% पावर ग्रिड ठप हो गए। बिजली संकट की वजह से पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हुए हमलों पर जेलेंस्की ने जोरदार प्रहार किया और रूस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। Пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони. जेलेंस्की ने साफ किया कि वो और उनका देश रूस के हमलों के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, चाहे उन्हें किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया, उसने यूक्रेन के शहरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि रूस के अटैक से यूक्रेन के एक तिहाई शहर अंधेरे में डूब गए, जहाँ बिजली के साथ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। यूक्रेन को रूस किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है, इसके लिए पुतिन की सेना साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव के बेटे ने मारियोपोल में मोर्चा संभाल लिया है। अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि क्या यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए कादिरव अपने बेटों की जिंदगी भी दांव पर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही रोज पहले ये रमजान कादिरव इस बात के संकेत दिए थे कि वो अपने तीनों नाबालिग बेटों को जंग के मैदान में उतार सकते। पुतिन के लिए सब कुर्बान। युद्ध के मैदान में कादिरव की जान। चेचन कमांडर का खौफनाक प्लान। यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में भले ही पुतिन की सेना ने भयानक तबाही मचाई है, लेकिन पुतिन की सेना और उनकी साख को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये बात भी दुनिया के किसी देश से नहीं छिपी है। लेकिन पुतिन के इसी साख को बचाने के लिए उनके सबसे वफादार जनरल रमजान कादिरव ने अपने तीनों बेटों की जिंदगी को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। पुतिन के लिए रमजान कादिरव की वफादारी को समझने के लिए इस वीडियो को देखना जरूरी है। ये कादिरव के वो तीन बेटे हैं जो बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, राइफल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर। कादिरव के बेटे युद्ध के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिलिट्री के ट्रेनिंग में कादिरव के बेटों को मशीन गन से फायरिंग करना भी सिखाया जा रहा है। अब से कुछ दिन पहले ही रमजान कादिरव ने अपने बेटों का वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया था, मेरे बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है जब उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। कादिरव के इसी ऐलान के बाद माना जा रहा था कि कादिरव कभी भी अपने तीनों बेटों को यूक्रेन की जंग में उतार सकते हैं। अब जो वीडियो सामने आया है उसमें दावा किया गया है कि कादिरव के तीनों बेटे जंग का मोर्चा संभालने के लिए मारियोपोल पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा के बीच कादिरव के बेटे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं।
कादरव के नाबालिग बेटों ने मारियोपोल पर कब्जा करने के लिए कुछ वीडियो बनाए हैं। वीडियो से लग रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन क्या वो युद्ध में जाएंगे और लोगों को मारेंगे? कादरव के बेटों की उम्र भले ही 14, 15 और 16 साल है, लेकिन जिस तरह से वो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि यूक्रेन के सैनिकों के लिए ये तीनों बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि कादरव ने अपने तीनों बेटों को बेहद सख्त ट्रेनिंग दी है। यानी जिस बेरहमी के लिए चेचन लड़ाकों को जाना जाता है, कुछ वैसी ही बेरहमी के साथ यूक्रेन पर हमला बोला जा सकता है। माना जा रहा है कि जंग के मैदान में कादरव ने अपने बेटों को इसलिए दांव पर लगाया है क्योंकि उनके बेटों को देखकर पुतिन की सेना का हौसला भी सातवें आसमान पर पहुंचेगा, जिसका असर सीधे सीधे युद्ध के नतीजों पर पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर गुट ने यूपी में धांधली का आरोप लगाया है। शशि थरूर के चुनाव प्रतिनिधि ने उत्तर प्रदेश की सभा वोट अवैध घोषित करने की मांग भी की है। थरूर के चुनाव प्रतिनिधि की सीईए अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत की गई है। आज ही वोटों की गिनती हो रही है और आज ही ये तय होना है कि शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन अब थरूर ने ये आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली। यहाँ यूपी में कई जगह गड़बड़ी के आरोप शशि थरूर की ओर से लगाए गए हैं और आज वोटों की गिनती के बाद माना यह जा रहा है कि महामुकाबला जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में था, अब नए कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। 24 सालों बाद कोई ऐसा पहला मौका होगा जबकि कोई गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। और इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे अपने सहयोगी अरुण का। अरुण, शशि थरूर के बारे में बहुत खुलकर तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन संकेत से साफ है और जो वोटों की संख्या है 9800, उससे तय है कि बहुत ज्यादा उनको फायदा होने जा नहीं रहा। लेकिन एक जो चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी क्या ये दिखाने के लिए कि पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक है चुनाव की? देखिए, शशि थरूर की चिट्ठी से हुआ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव कराए हैं उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, उत्तर प्रदेश में पूरी वोटिंग को बोगस बताया है और उन्होंने ये भी मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी वोट पड़े हैं वो सब इनवैलिड यानी अवैध घोषित किए जाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब और तेलंगाना में भी गलत तरीके से वोट डालने वालों की के नाम जारी किए हैं। कहा है कि जिनका नाम सूची में था ही नहीं उन लोगों ने वोट डाले और जिनका सूची में नाम था उनको रिमूव कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में कि पोलिंग बूथ के अंदर अनधिकृत लोग थे जिनका वहां पर जाना जरूरी नहीं था, वो लोग वहां पर मौजूद थे। कई जगहों पर वोटिंग खत्म होने के 45 मिनट बाद तक वोटिंग होती रही, फर्जी मतदान हुआ है, बोगस मतदान हुआ है। और इसलिए उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में और पंजाब में तीनों जगह जांच होनी चाहिए। मधुसूदन मिस्त्री को चिट्ठी लिखी है शशि थरूर के जो प्रतिनिधि हैं, पोलिंग एजेंट हैं सलमान अनिस सोच, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है। और देखिए, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर करारा प्रहार किया है और आरोप लगाए हैं कि वो क्यों निष्पक्ष चुनाव की ठीक है लौटते हैं अरुण आपके पास लेकिन देखिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आज उसका नया अध्यक्ष मिल जाएगा और इसके साथ ही करीब 22 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है, जिन्होंने अभी आरोप भी लगाया कि चुनाव में धांधली है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है इस वक्त। जी हाँ, और वोटों की गिनती पूरी होते ही ये साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन पहले सुनिए। आज लोकतंत्र जीता है, कांग्रेस जीती है। जो हमने कहा था सिवा कांग्रेस पार्टी के, क्या किसी ने इतना लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराया है? अगर किसी ने कराया है तो कांग्रेस पार्टी ने कराया है। गांधी परिवार के प्रति पूरा हम निष्ठा व्यक्त करते हुए कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था चुनाव में निष्पक्ष रहेंगे, वो चुनाव में निष्पक्ष रहे। चुनाव पूरी तरह निष्पक्षता पूर्वक हुआ है।
के साथ लहरा रहा है। गुजरात के गांधीनगर में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो हो रहा है। डिफेंस एक्सपो का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। जी हां, और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ भी की है। और आज का ये डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम के लिए जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है, जो पुरुषार्थ किया है, कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। तो टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक पीछे और पीछे होता चला जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है जबकि 12.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा और सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन चैनल्स पर भी न्यूज 18 इंडिया की खबरें भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टार प्लस, सोनी टीवी, जी टीवी और सब टीवी जैसे मनोरंजन चैनल भी न्यूज 18 इंडिया से काफी पीछे है। न्यूज 18 इंडिया को 10.5 करोड़ दर्शकों ने देखा जबकि स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी बहुत पीछे हैं। और आपका ये भरोसा ही तो है जो लगातार हमें नंबर वन बना रहा है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का किया आधिकारिक उद्घाटन। 2 दिन के गुजरात दौरे पर 15,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम जयराम ठाकुर समेत 62 उम्मीदवारों का ऐलान। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। विनाश लीला की क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन को रोकना मुश्किल हो गया है क्योंकि यूक्रेन की इस हरकत ने पुतिन को इस कदर भड़का दिया कि उन्होंने यूक्रेन जंग में अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। और कीव समेत यूक्रेन के कई शहर धमाकों से गूंज उठे। निकोलेव में भी रॉकेट दागे गए जिसके वीडियो में आसमान में उड़ता ड्रोन दिखा और फिर जोरदार धमाका सुनाई दिया। कीव पिछले हफ्ते से पुतिन की विनाश लीला देख रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि क्राइमिया ब्रिज अटैक का बदला पुतिन कीव को बर्बाद करके ले रहे हैं। लेकिन कीव के अलावा भी कई और शहर हैं जो पुतिन की मिसाइलों का शिकार बने। निकोलेव उन्हीं में एक है जहां रूस की मिसाइलों ने कई घर उजाड़ दिए। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और ऊंची ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई। खबर है कि यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने हाहाकार मचा रखा है और वहां पुतिन की मिसाइलें तांडव कर रही हैं। रूस ने एक दिन पहले जब कीव पर हमला किया था तो जेलेंस्की ने हमलों के कुछ वीडियो खुद शेयर किए थे और दावा किया था कि इतनी तबाही के बावजूद जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा क्योंकि जेलेंस्की की सेना भी मौका देखकर पलटवार करने से नहीं चूक रही। जिसका सबूत है ये वीडियो जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ और एक कैंप उड़ गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमलों के जवाब में उसने रूस के सैनिकों का एक कैंप उड़ा दिया। यही नहीं, जेलेंस्की ने बयान दिया कि यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है। यानी यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि इस जंग में दोनों देशों की कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन पुतिन जेलेंस्की के इन सारे दावों से बेफिक्र हैं और यूक्रेन पर मिसाइलों पर मिसाइलें दागे जा रहे हैं। ना वो रुक रहे हैं ना उनकी सेना। जिसका सबूत है कीव जहां पहले मिसाइलें गिरी और फिर आत्मघाती ड्रोन से हमला हुआ जिसका एक दिन पहले वीडियो भी आया था जिसमें कीव के रिहायशी इलाकों में बमबारी की खौफनाक तस्वीरें दिखी।
डरे सहमे लोग यहां वहां भागते नजर आए। कीव पर ये हमले लगातार जारी हैं। ऐसा लग रहा है मानो पुतिन कीव का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए। रही बात यूक्रेन के दूसरे शहरों की, तो वहां भी कम तबाही नहीं हुई है। ज़ापोरिज़्या में परमाणु पावर प्लांट पर हमला हुआ, तो ज़ातोमर में मिसाइलें पावर प्लांट पर गिरी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां पानी और बिजली सप्लाई बंद हो गई। पुतिन का प्लान यूक्रेन को बिजली और पानी के लिए तरसाने का है, और कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो चुन चुन कर उन जगहों पर मिसाइलें दाग रहे हैं जहां पावर प्लांट है। खबर है कि पुतिन ने कीव, ज़ापोरिज़्या, निकोलेव, ज़ातोमर, लीव, चेर्नोबिल, लुहांस, खार्किव, ओडेसा और डॉनबास के दो शहरों में बिजली की सप्लाई रोकने का प्लान बनाया है, और इसीलिए वो वहां के पावर प्लांट पर मिसाइलें गिरा रहे हैं, जिससे यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। क्योंकि खबर है कि इन हमलों में रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट को निशाना बनाया है। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट पर दो बार मिसाइल अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली और पानी की किल्लत होनी शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर पावर कट हो रहा है, पानी की सप्लाई रोकी गई है, और अगर पुतिन नहीं रुके तो यूक्रेन में परेशानी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में ऐसा महाविनाश होगा जिससे ज़ेलेंस्की तो क्या, अमेरिका भी उसे बचा नहीं पाएगा। हालांकि ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं और दावा कर रहे हैं कि जंग तो यूक्रेन ही जीतेगा, लेकिन यूक्रेन में इमरजेंसी वाले हालात हैं, जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे। उल्टा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने सेना के अफसरों से हमले तेज करने को कहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग लंबी खिंच गई है और अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके मानेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेना को खुलकर हमला करने की छूट दे दी। उधर रूस और यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर मिसाइलों से हमला होता दिखा। वहां एक सड़क से सेना का एक बड़ा काफिला गुजर रहा था, लेकिन तभी सड़क के दोनों ओर से बरसी मिसाइलों ने वहां कहर ढा दिया। हमले से पहले वहां सुनसान सड़क पर कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गुजरती दिखाई दी, तभी अचानक सड़क के एक तरफ से मिसाइल दाग दी गई। इसके बाद कुछ ही पलों में वो अपने टारगेट से टकराई और उसे तबाह कर दिया गया। अभी कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि एक और मिसाइल सड़क के दूसरी तरफ से छोड़ दी गई, उसने भी अपने निशाने को उड़ा दिया। लेकिन कातिल मिसाइलों का यह हमला यहीं नहीं रुका, बल्कि वहां से भाग रही गाड़ियों को निशाना बनाकर एक और मिसाइल दागी गई। पहले की दोनों मिसाइलों की तरह ही इसने भी अपने टारगेट के परखचे उड़ा दिए। हालांकि हमला किस जगह किया गया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, और न ही इस बात का पता चला कि वायरल वीडियो में जिस सेना पर हमला होते दिखा वो रूस की थी या फिर यूक्रेन की थी। इस बीच नेटो और रूस दोनों ने परमाणु ड्रिल शुरू कर दी और दोनों के बॉम्बर आसमान में गर्जे। नेटो में शामिल 14 देशों के लड़ाकू विमान बेल्जियम में ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका का B-52 बॉम्बर भी शामिल है। ये बॉम्बर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये कहीं भी परमाणु बम गिरा सकता है, और इसी वजह से अमेरिका के B-52 बॉम्बर से दुनिया डर रही है, क्योंकि इससे होने वाली बमों की बारिश चुटकियों में जमीन का एक हिस्सा तबाह कर सकती है। बेल्जियम और ब्रिटेन के पास नॉर्थ सी में चल रहे इस अभ्यास के दूसरे दिन अमेरिका के यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश ने हिस्सा लिया, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इसके अलावा अमेरिका के रैप्टर F-22 और